क्या भारत और चीन का युद्ध होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस वक्त भारत चीन को जल थल नभ हर तरफ से घेरने का प्लान बना रहा है, और अगर चीन ने जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो चीन बहुत पछताएगा, क्योंकि इस वक्त अंडमान से चीन की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए ऐसी तैयारी की जा रही है जिसे आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। देश मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सैन्य सुधारों के लिए सेना के लिए जरूरी बुनियादी ढांचों का तेजी से विकास करने पर फोकस किया है। सेना को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने के लक्ष्य से ही सरकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जबरदस्त सैन्य बुनियादी ढांचों का निर्माण कर रही है। ये खासकर चीन के मद्देनजर बड़ी रणनीतिक योजना के तहत हो रहा है, यानी चीन ने अगर कुछ भी हिमाकत करने की कोशिश की तो अंडमान से उसे करारा जवाब दिया जाएगा। दरअसल खबर है कि हवाई क्षेत्रों के कायाकल्प से लेकर सैनिकों के लिए आवास से लेकर निगरानी के मजबूत बुनियादी ढांचे तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का महत्व सेना के लिए काफी बढ़ने वाला है, और इसलिए इस द्वीप पर अतिरिक्त सैन्य बलों की तैनाती, ज्यादा संख्या में बड़े बड़े युद्धपोतों, विमानों, मिसाइल बैटरियों और सैनिकों के लिए सुविधाओं के लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है। बड़े पैमाने पर चल रही निर्माण गतिविधियों के साथ साथ भारत सरकार 55 किलोमीटर उत्तर में स्थित म्यांमार के कोको द्वीप समूह में भी सैन्य सुविधा का निर्माण कर रही है, जिससे दुश्मन देशों पर नजरें भी रखी जा सकेंगी और दुश्मन देशों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा सकेगा। वहीं ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहली और एकमात्र ट्राई सर्विस कमान है, जहां जल थल नभ यानी सेना के तीनों अंगों से मिलकर बने इस कमान की स्थापना 2001 में की गई थी, जहां अब नौ सैनिक हवाई अड्डे पर हवाई पट्टी की लंबाई बढ़ाने का काम तेजी से हो रहा है, ताकि वहां लड़ाकू जेट जैसे बड़े विमानों को उतारा जा सके। वहीं द्वीपों के उत्तर से दक्षिण में पोर्ट ब्लेयर तक की सड़क को आधुनिक रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा लड़ाकू स्क्वाडन रखने के लिए और लंबी अवधि के लिए वायुसेना के एक स्टेशन को अपग्रेड किया जा रहा है। इसमें रनवे लगभग 3000 मीटर तक विस्तारित करने और मिलिट्री एस्टेट्स के रखरखाव के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की योजना शामिल है। दूसरी तरफ कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल भी बनाया जा रहा है, जिससे सेना को फायदा होगा। वहीं पिछले साल भी यहां कई काम किए गए थे ताकि सेना और मजबूत हो सके और दुश्मन देशों को करारा जवाब दे पाए। दरअसल पिछले साल पोर्ट ब्लेयर में कई काम किए गए थे, जिसके लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने पिछले साल पोर्ट ब्लेयर में आईएनएस उत्क्रोश में एक आधुनिक हैंगर डिस्पर्सल सिस्टम का उद्घाटन किया था। इस साल फरवरी में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने आईएनएस उत्क्रोश में एक प्रेसिजन अप्रोच रडार का भी उद्घाटन किया, ताकि कम दृश्यता की स्थिति में विमान को सुरक्षित रूप से उतारने के लिए सटीक गाइडेंस किया जा सके, जिससे सेना का विमान सुरक्षित रहे। नौसेना प्रमुख ने इंटीग्रेटेड अंडरवाटर हार्बर डिफेंस एंड सर्विलांस सिस्टम का भी उद्घाटन किया। साथ ही आईएनएस कोहासा, आईएनएस बाज और आईएनएस कार्डी में नौसेना संचार नेटवर्क केंद्रों का उद्घाटन भी किया गया था, ताकि तीनों सेनाओं के नेटवर्क को काफी मजबूती मिल सके। वहीं मोदी सरकार ने इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र यानी NRSC को स्थापित किया। साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में 55 बसे हुए द्वीपों की निगरानी बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले महीने एक मल्टी एजेंसी मैरिटाइम सिक्योरिटी ग्रुप पॉलिसी मीटिंग की, ताकि द्वीपों की निगरानी पर चर्चा की जा सके। साथ ही मीटिंग में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के तटीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ साथ नौसेना और NRSC अफसरों के साथ मीटिंग की गई, जिसमें कई अफसरों ने भी हिस्सा लिया, जिसमें दुश्मन देशों को कैसे मुंहतोड़ जवाब देना है उसके लिए रणनीति बनाई गई। यानी अब ये कहा जा सकता है कि अब दुश्मन देशों को जवाब देने के लिए पूरा प्लान भारत बना चुका है, और अगर दुश्मन देश ने जरा सी भी हिमाकत की तो भारत की तरफ से उसका विनाश तय है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।